यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने आज नौतनवा पुलिस सड़क पर उतरी। नगर के गांधी चौक पर पुलिस ने यातायात नियमों के पालना करने वाले बाइक चालकों को रोककर उन्हें यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। नौतनवा सीओ अनुज कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह सहित तमाम पुलिस के जवान बाइक चालकों को रोककर हेलमेट पहनने की नसीहत दे रहे थे। पुलिस हेलमेट न पहनने वाले चालकों के बाइक रोककर उन्हें हेलमेट लेकर आने के बाद ही बाइक से जाने की इजाजत दी। इस दौरान बिना हेलमेट पहने कई बाइक चालक तेजी से मुंह छिपाकर भागते हुए दिखे और कुछ ने हाथ जोड़कर हेलमेट ना पहनने की गलती का एहसास भी किया और दोबारा से हेलमेट पहनकर ही चलने की कसम खाई। वहीं डीबीएस न्यूज टीम ने जो लोग बिना हेलमेट की यात्रा कर रहे थे उनसे भी बात की तो लोग दोबारा ऐसी गलती ना करने की बात किए तो कुछ बातें बनाते रहे। वहीं हमारी टीम ने हेलमेट पहनने चालकों से भी बात किया कि वे नियम तोड़ने वालों को क्या संदेश देते हैं। आपको बता दें कि पुलिस माइक हॉर्न से भी लोगों को यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक किया और नगर में भ्रमण भी किया। वहीं इस दौरान सीओ अनुज कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पुलिस का मंशा लोगों का चालान करना और जुर्माना लेना नहीं है बल्कि लोगों की खुद की सुरक्षा की खातिर, उनके परिवार की सुरक्षा की खातिर लोगों को ही जागरूक करना है। अपनी गलती को कुछ लोग मानने को तैयार। हम इस वक्त महाराजगंज जनपद के नौतनवा के गांधी चौक पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि चूंकि ये नवंबर माह है और नवंबर माह में विशेष रूप से जो यातायात जो नियम है उनके प्रति लोगों को जनता को आम जन को जागरूक किया जाता है। पुलिस इस वक्त नौतनवा पुलिस, नौतनवा थाना अध्यक्ष, नौतनवा क्षेत्राधिकारी और तमाम नौतनवा पुलिस फोर्स जो है इसमें आप देख सकते हैं गाड़ी तौर पर मौजूद है और ये किस तरह का यहाँ पे पुलिसिया माहौल आपको बता दें कि जो भी बाइक सवार है या चारपहिया वाहन है जो सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं और यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन लोगों को पुलिस जो है जागरूक कर रही है, लोगों को रोक रही है और यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर रही है, उनको बता रही है। आपको बता दें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गाड़ी लेकर के जो है हेलमेट नहीं लगाए हैं लेकिन भाग जा रहे हैं, लेकिन काफी लोग को पुलिस प्रयास कर रही है कि लोगों को जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए भागने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनको पकड़ ली पुलिस और कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे बड़ी पुलिस की अच्छाई बता दें आपको, पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है, जो लोग हेलमेट नहीं पहने उनको गाड़ी रोक करके घर पे भेजा जा रहा है कि आप जाइए हेलमेट नहीं लगाए हैं, पुलिस आपको जागरूक कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? साइड पर जाने बीच में रोड में क्या कहेंगे जो है हेलमेट आप नहीं लगा के आए हैं, क्या कहेंगे? बीच रोड में खड़े हैं जाम हो रहा है। आ जाइए तो आपको बता दें कहीं ना कहीं लोग बोलने से मना कर रहे हैं, डर रहे हैं, जो है अपनी गलती को कुछ लोग मानने को तैयार है, कुछ लोग सॉरी बोल के निकल जा रहे हैं, वही कुछ लोग भी बिना हेलमेट लगा के कहाँ जा रहे थे? सर घर जा रहे हैं। हेलमेट लगाना चाहिए ना, दुकान है सर, कैसे सर हम दुकान पे रहते हैं ना सर, अभी ये आई है गोरखपुर से, हेलमेट सर जैसे गाड़ी है सरदार जी का है सर, हमारा है नहीं है, तो मान रहे हैं सर हेलमेट लगा के आ रहे हैं। आप तो सुरक्षा के लिए बताया जा रहा है, वो सही बात है सर, वीडियो में दिखा रहे हैं कितना घटना है, लगभग 4 बजे घटना है, उसके बाद क्या पकड़ लेते हैं, क्या सही सर लगाएंगे हेलमेट लगा के चलेंगे? गाड़ी मेरी नहीं है, लड़की का है। आप सुरक्षा के लिए सचेत? हाँ सर, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। क्या कहेंगे इसके बाद लोग? इसके बाद हम तो चलाते नहीं, जो चलाएगा वो लगाएगा हेलमेट, सबको हेलमेट लगाना। एक आज दुर्घटना हुई है, एक आदमी बिना हेलमेट लगाया जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ और मर गया। अभी एक घंटे से घंटा पहले बात है, पुलिस जो है आपकी सुरक्षा के लिए हेलमेट चेकिंग कर रही है, आप हेलमेट लगाए, आप जो है धनबाद को मात्र है, आप लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुरक्षा के दृष्टि से हेलमेट लगाना जरूरी है, हेलमेट लगाने से सर के भी मतलब सुरक्षा होता है और जान माल का हेलमेट नहीं लगाया उनको आप क्या समझे, जान माल का भी खतरा, मतलब जो लोग हेलमेट नहीं लगाना क्या बताना चाहते हैं उनके लिए? हम सभी लोग हेलमेट लगा के चले, खुद को बचा के रखें और परिवार भी, मतलब देखिए ये यातायात माह चल रहा है अभी नवंबर का और इस माह में जो हमारी जनरल पुलिसिंग होती है उसमें यातायात के नियमों का कोई भी उल्लंघन करा या उनके नियमों का पालन कराना हमारा विशेष उद्देश्य होता है, तो ये आज का जो है उसी पहल में, उसी कड़ी में एक पहल है, उसी कड़ी का हिस्सा है और हम लोगों का श्रीमान पुलिस अधीक्षक हमारे और जो हमारे उच्च अधिकारी उनकी मंशा है और शासन की मंशा है कि यहाँ पे 100% यातायात नियमों का पालन हो और खास करके हेलमेट का, क्योंकि हेलमेट ना पहनने के कारण बहुत लोगों की जाने जा रही है,
आप लोग भी आए दिन देखते होंगे कि कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं होती हैं और जो हेड इंजरी होती है उसके कारण बहुत ज़्यादा मृत्यु होती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमारा मकसद है कि अगले हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में हमारा 15 दिन में है कि कम से कम 90 से लेकर 100% लोगों को हेलमेट पहना दें और जो इनसे होने वाली जो मृत्यु है जो जान जाती है उसको हम लोग कम से कम नहीं तो 70-80% उसको रिड्यूस करें। आए दिन जो है जनता पुलिस चलाती रहती है फिर भी जो लोग नहीं सुधरते हैं उनको किस तरह से सुधारा जा रहा है, क्या युक्ति अपनाई जा रही है? नहीं, हमारा पूरा प्लान ये है कि हमारा एक तो कोएर्सिव मेजर मतलब है कि लोगों का चालान करना, हेलमेट के लिए रिक्वेस्ट करना, एक जागरूकता कार्यक्रम लाउड हेलर के माध्यम से, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जो लोग हमारा किसी से कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, किसी की वजह पीड़ित नहीं करना, हमारा मुद्दा ये है कि बस सब लोग हेलमेट पहन लें। तो उसके लिए जो भी चीजें आवश्यक है लोगों के पर्चुएशन से लेके एनफोर्समेंट तक, क्वेश्चन एनफोर्समेंट, वो सारी चीजें हम लोग करेंगे। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं DBS न्यूज़।